सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द व्लॉग और एंड वेलकम बैक टू पटाया। और अभी सुबह सुबह की पहली मॉर्निंग हमारी और अभी हमें पटाया में। और ऐसे देखो, जिस दिन हम यहाँ पे लैंड हुए थे थाईलैंड में, तो आते ही हम चाहते तो हम बैंकॉक जा सकते थे, लेकिन हमने थोड़ी सी स्मार्ट वर्क यहाँ पे क्या किया कि हमने पटाया कर लिया। पटाया इसलिए क्योंकि जितनी भी एक्टिविटीज हैं, ज्यादातर वाटर एक्टिविटीज हैं, जितनी भी डॉल्फिन वगैरह सब यहीं पे है। बैंकॉक में जो कुछ नहीं है, बैंकॉक में सिर्फ बिल्डिंग्स हैं और होटल्स हैं, लेकिन अपने को करनी है एक्टिविटीज, वाटर एक्टिविटीज वगैरह वगैरह वगैरह। या और अभी जो है हमारे होटल में स्विमिंग पूल जम्मू में अपने, वहां पे तो ठंड भाई बहुत ज्यादा है, तो वहां पर तो भाई स्विमिंग कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे तो अपन जम के मछली बन के स्विमिंग पूल में तर कर सकते हैं। तो अभी हम जो है एक एक करके नहाने के लिए जा रहे हैं। फर्स्ट पहले ही नहीं नहाने, नहीं ब्रश करने जा रहे हैं, उसके बाद क्योंकि हम नहाएंगे स्विमिंग पूल में नहाएंगे। तो जैसे हमारा जो होटल है, होटल के सामने ही देखो 7-11 है, तो ये 24/7 खुली रहती है, यहाँ से कुछ भी आप ले सकते हो, वेज नॉन वेज, लेकिन मैं तो जो है मैं वेज ही प्रेफर करता हूँ, मतलब हालांकि खाता ही मैं वेज ही हूँ। तो होटल जो है, होटल मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही प्यारा होटल है, हालांकि हमने जो है इसकी शक्ल थोड़ी बिगाड़ दी है इस तरह की, बट और जैसे कि ये रूम जो है मैं अर्जुन यहाँ सो रहे हैं, आरस भाई जो है यहाँ सो रहे हैं। ये हमारा किचन है, ये सोचा था रात को कि हम मैगी में, मैं घर से, मुझे पता था यहाँ मैगी, मुझे लगा क्या पता है मैगी वगैरह मिले या ना मिले, मैं घर से कोई 6-7 पैकेट मैगी के ले आया हूँ छोटी यीपी, लेकिन यहाँ पे जो है हमको चूल्हा जो है मिल नहीं रहा, इसलिए हम इसके कूले पे ही चूल्हा जलाएंगे। तो पूल के पास जो हम पहुंच चुके हैं, अब जो वक्त था हमारा वक्त अंदर जाने का। आगे निकले हैं, शावर भी ले लिया, सोचा पहले कि रूम में के शावर लेंगे, लेकिन फिर वहां पे था तो सोना बाथ और शावर दोनों ने एक साथ ले ली हुई है। मैं आपको सही बताऊं, जब से इंडिया से निकला हूं ना, खाली इंडिया में ही खाना खा के आया हूं, यहां पे आने के बाद तो सिर्फ और सिर्फ स्नैक्स ही खा रहे हैं, तो अब जो है बाहर जाऊंगा ढूंढूंगा इंडियन फूड। वेजिटेरियंस को बहुत प्रॉब्लम होती है, नॉन वेज तो कहीं भी बैठ के टेल सकता उसको क्या। मैं घर से इसलिए 5-6-7 मैगीज लेके आया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को, क्योंकि जब मैंने होटल बुक किया था तो बता रहे थे अभी किचन भी है, लेकिन सारा किचन के नाम से यहाँ पे उन्होंने बस हमारे साथ वो कर दिया हुआ, प्रैंक कर दिया हुआ, प्रैंक हो गया आपके साथ गाइस। अभी जैसे हम होटल से निकले हैं, और होटल से अभी अभी हमारी समझो सुबह ही है, और सुबह सुबह ही हालत इतनी खस्ता हो गया, ऐसा लग रहा है कि शाम के कोई 7-8 बजे से हालत हो जाती है इंसान के ऑफिस से आने के बाद, वैसे हालत हो गई। लेकिन अभी फिलहाल बैठा हुआ मैं टुक टुक के अंदर, वो अर्जुन बैठा हुआ है साथ में, आरस में बैठे हुए हैं, तो जा रहे हैं अभी हम सिम का बंदोबस्त करने, क्योंकि सिम जो है बहुत ज़रूरी है, 2 सिम कार्ड्स लेने हैं हमको, 3 बंदे हैं, तो थोड़ा सा काम चल जाएगा, क्योंकि हमें तो है लोकेशन यहाँ पता नहीं है, तो गूगल मैप उसके बिना चलेगा नहीं, तो सिम अरेंज करना बहुत जरूरी है हमारे लिए।
अभी हम एक स्कूटी ले रहे हैं यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि तीन दिन हमारे पास हैं और टुक टुक में इतना ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। बहुत सी जगह होती है जहाँ बाहर निकल के हमको फिर टुक टुक करना पड़ता है, इसलिए अभी अर्जुन जो है जब भी स्कूटी परचेज करो आप, मतलब जब भी स्कूटी रेंट पे लो, एक बार उसकी वीडियो बना लो अच्छे से, ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना हो, क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम होती है। बाद में फिर ये लोग बोलते हैं कि यार आपने ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, इसलिए शुरू में ही सब कुछ अच्छे से वीडियो बना लो, चेक कर लो गाड़ी के अंदर क्या पड़ा है क्या नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे स्क्रैच है तो हमने पहले ही वीडियो बना ली हुई है। पेट्रोल जो है बिल्कुल पहले फुल था, बाहर थोड़ी सी आगे जाके पेट्रोल पूरा एम्प्टी हो गया, तो वापस आ रहे उसको दिखाने के लिए भाई कि देख ले भैया अभी खाली जस्ट गली क्रॉस की और पूरा तेल खत्म हो गया। दिस फ्यूल, तो मेरी बात एक हमेशा याद रखना कि जहाँ पे टूरिज्म जितना ज्यादा होता है वहाँ पे स्कैम उतना ही ज्यादा होता है। तो जब भी किसी कंट्री किसी स्टेट किसी सिटी में जाते हो होटल में चेक इन करते हो तो हमेशा कोशिश किया करो सबसे पहले कि वीडियो आप शूट करो हर एक रूम की हर एक चीज सामान की जो भी कीमती सामान वहाँ पड़ा हुआ है जैसे कि फ्रिज टीवी वगैरह इनकी भाई वीडियो बना लो। तो स्कैम हमारे साथ यहाँ पे क्या होने वाला था कि जैसे हमने स्कूटी ली, स्कूटी लेने के बाद जो उसका ऑनर था उसने हमें कहा कि जितना इसके अंदर फ्यूल पड़ा है आपको उतने ही फ्यूल में स्कूटी वापस रिटर्न करनी है जब आप देने आओगे। तो उस वक्त जो है हमने अपना कंसोल में मीटर चेक किया था, उस वक्त जो है फ्यूल टैंक जो पूरा फुल दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही हम आगे थोड़े आगे तक गए, आप समझ लो 50 मीटर आगे तक गए, तो 50 मीटर जाने के बाद ही सुई एम्प्टी से फुल से बिल्कुल एम्प्टी भी आ गई। और हमारे साथ हुआ क्या कि अर्जुन ड्राइव कर रहा था, मैं पीछे बैठा हुआ था। अब अर्जुन ड्राइव कर रहा था तो उसका ट्रैफिक में ध्यान था और मैं पीछे बैठा हुआ था, वो कुदरती मैं व्लॉग शूट कर रहा था और व्लॉग शूट करते करते मेरी कंसोल में नजर पड़ गई कि भाई यार अभी तो ये फुल दिखा रहा था अब एम्प्टी, ये चक्कर क्या हो गया। तो अभी 50 मीटर आगे गए, 50 मीटर में टंकी खत्म होगी इनकी। तो वहां से स्कूटी मैंने वापस घुमाई और उनके पास वापस जाके उसको बोला, मैंने कहा भाई देखा भाई ये पूरा फुल दिखा रहा था और अब एकदम से एम्प्टी हो गया। तो उसने हमें कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये गलती से इतना दिखा रहा होगा, कोई बात नहीं जितना भी दिखा रहा आप मेरे को इतनी दे देना। तो ये चीज उसने हमें पहले नहीं बताई कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है। इसलिए जब भी भाई गाड़ी या कुछ भी चीज अगर बाहर रेंट पर लेते हो बहुत सोच समझ के लो, ट्रस्टी डीलर से लो, और वो तो चलो अलग एक अलग बात है वो कौन सा कि आपके घर का जिसपे आपको ट्रस्ट होगा, लेकिन फिर भी जब भी लो भाई वीडियो बना लो या थोड़ी देर तक जब तक चलाओ उसको ध्यान रखो गाड़ी में, आगे पीछे खो मत जाना कि शहर के चकाचक में आगे पीछे देखने लग जाओ, इसलिए ध्यान से जब भी जाओ भाई, क्योंकि फिर ये लोग जो है बहुत ही बड़ी अमाउंट चार्ज करते हैं आपके ऊपर कि हमारी स्कूटी आपने खराब कर दी या प्रॉपर्टी आपने हमारी डैमेज कर दी, तो इसलिए ध्यान से। तो अभी हमने दो स्कूटीज ली हैं, एक ये है और एक ये है जिसमें मैं बैठूँ, और एक स्कूटी जो है उसका जो पेट्रोल इन्होंने पूरा फुल करके दिया है और दूसरी जो है इसमें सिर्फ दो डंडे हैं, मतलब कि 2 लीटर पेट्रोल इसमें हमारे वाले पड़ा हुआ है। और इनका ये कहना होता है कि जब आप यहाँ से स्कूटी लेते हो तो एक बार नोट कर लो कि उसमें पेट्रोल कितना है, तो जब आपको इनको वापस देनी है आपको उतना ही पेट्रोल में उनको वापस देनी है, बेशक वो फुल हो या आधी हो या खाली हो, खाली तो नहीं होती बट जितना पेट्रोल होगा आपको उतना में उसको लौटाना है वापस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि 50 बात में जो है हमारी स्कूटी फुल होगी, दो डंडे ऑलरेडी पहले के पड़े हुए थे, पूरा पीके जैसा लग रहा हूँ मैं। हाँ तो दो डंडे जो है स्कूटी में पहले के तेल के पड़े हुए थे, तो अभी दबाया 50 बात लगे तो टंकी पूरी फुल होगी। 50 बात ठीक है यार, है यार भाई। हरश भाई आपके लिए अनवांटेड बॉडी चेंजेस। तो फाइनली यहाँ का जो लोकल मार्ट है जैसे कि 7 से 11 अपने वहाँ पे जैसे सुपरमार्केट्स होती है, यहाँ की सुपरमार्केट है जिनका नाम है 7-11 और बहुत सी शॉप्स में मुझे खाने का सामान नहीं मिल रहा था, हर जगह नॉन वेज ही मिल रहा था। यहाँ से मुझे वेज बर्गर मिला जो कि मैंने खा लिया अब, और एक दूध की बोतल दूध भी पी ली है, अब सिम का अरेंजमेंट कर रहे हैं अनलिमिटेड। ये लड़ते हैं फिर, पहले हम सोच रहे थे कि एक ही सिम लेते हैं, दो तीन बंदे हैं, अब हम सोच रहे हैं कि नहीं एक ठीक नहीं है दो ठीक है, कम से कम एक अगर घूमेगा एक साला अगर यहाँ वहाँ भटक जाएगा तो दूसरा उसको फोन करके बुला लेगा और नेट जो है दोनों में अनलिमिटेड है, और एक सिम जो हमको पड़ रही है 400 बात की,
लगा लो दो सिम हमको पड़ गई 1000 रुपए की, 500 रुपए की एक सिम लगा लो पड़ रही है हमको। It. Now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that shit on. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that nani in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oh, whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. Oh, say less. I'm back in that. काफी हेक्टिक था, जहां लगे मैं सोचा था कि जब पत्नीटॉप कह रहा हूँ मेरा उस साला गरीब बंदा मुझसे पत्नीटॉप भी निकलेगा। आज का दिन मैं सोचा था कि यार बैंकॉक जो हमारा फर्स्ट डे आज पटाया का पहला दिन जो है हमारा काफी इंटरेस्टिंग होगा, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होटल में हम 12:30 बजे उठे, 1:30 बजे हमने खाना वाना खाया, उसके बाद स्कूटी वगैरह अरेंज करते करते बहुत टाइम लग गया। जैसे हमने सोचा कि सनसेट जो अच्छे से कैप्चर करेंगे, लेकिन सनसेट के टाइम पे भी यहाँ पे ढंग से नहीं पहुंच सके बीच पे, तो दिन जो है यहीं पे ऐसे ही निकल गया। अब वापस होटल जा रहे हैं, सो बीच से जो है हम वापस आ गए हैं, और स्कूटी जो है स्कूटी से हमने आज अरेंज कर ली है, स्कूटी अब 3 दिन तक हमारे अंडर ही रहेगी। और अभी जस्ट डिनर तो किया नहीं है, लेकिन हल्के से स्नैक्स वैक्स खाए, और बगल के लड़के जो है साथ में अपने जो लौंडे आए हैं बोल रहे हैं कि स्विमिंग करने जाना है, तो नीचे स्विमिंग पूल है, सुबह भी स्विमिंग की थी, लेकिन 10 बजे तक पूल बंद हो जाएगा, तो सोचा भी 7:30 हो गए हैं, आधा घंटा स्विमिंग कर लेते हैं फिर डिनर करा करेंगे। लेट्स गो फॉर स्विमिंग, स्विमिंग दिस वे ब्रो, व्हिच वे we'll do swimming then come back again. Okay, you had dinner 40 minutes, she said you have only 40 minutes. चलो भाई सब हर किसी इंसान का अपना अपना माइंड सेट, हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन बाहर भी आके आप जिमिंग ही कर रहे हो, फिर क्या ही बाहर आ रहे हो। ओए क्षिति, सो ये हमारा पूल है अभी, ठीक है हमारा मतलब जहाँ पे हम नहाने वाले हैं, अंदर सामने जो है वर्कआउट चल रहा है लोगों का, वर्कआउट करते हुए हमको देखेंगे कि हम मगरमच्छ बन के कैसे नहा रहे हैं पूल में। 3 मगरमच्छ अंदर से लोग देखेंगे कैसे नहा रहे हैं पूल में।